हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। कोरोना के खिलाफ आप बूस्टर डोज लीजिए और बॉडी को अपने स्ट्रांग बनाइए। भाई साहब, आज कुछ ऐसा हो गया है कि आलोक और दीपक अपना लंच भूल गए हैं, तो हमें उनके स्कूल में जाना है लंच देने के लिए। तो भाई साहब, अभी चलते हैं स्कूल में और मिलते हैं आलोक दीपक अक्षय से। यह है वैभव, अंडरवियर नहीं पहना है। तो भाई साहब, फाइनली हमने टिफिन ले लिया है और अभी स्कूल के लिए निकल गए हैं। तो वहाँ पहुँच कर उन लोगों को सरप्राइज भी देना है हमें कि वो लोग लंच नहीं लिए थे, और अभी लंच लेकर के चल रहे हैं हम वहाँ उनके पास और मिलते हैं स्कूल पे। भाई साहब, हम इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहते हैं कि दुनिया में अगर कोई चीज़ बुराई वाली चीज़ है तो उसको लोग बहुत ही ऊपर दिखाते हैं और बहुत ही ऊंचा उसको लेकर के जाते हैं। अगर वो चीज़ अच्छाई वाली हो तो नहीं, शायद नहीं। जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा वीडियो में शिखर पान मसाला, इसको खाने से आदमी को कैंसर भी हो सकता, लेकिन नहीं, इसको आप देख रहे हैं इस ओवरब्रिज से भी ऊपर है। भाई साहब, मेरा बात मानिए, कभी भी इसको मत खाइए। नहीं, व्हीलर चलाने का एडवांटेज बहुत सारे हैं। आप कितना भी ट्रैफिक हो, आप साइड से होकर निकल सकते हैं, आपको यहाँ टूल टैक्स नहीं देने की आवश्यकता है। हाँ, बट एक चीज़ है, आपको जहाँ पर फोर व्हीलर से 2 घंटे का टाइम लगा ट्रैवल करने से, वहाँ से 2 व्हीलर से आपको 2.5 घंटे का टाइम लगेगा, बट आप सेफ रहेंगे। बट कार में आपको धूप नहीं लगेगा, एसी की फील आएगी। तो भाई साहब, अभी हम टूल बहुत क्रॉस कर चुके हैं और अभी बहुत ही जल्द पहुँचने वाले हैं स्कूल। तो भाई साहब, ज़्यादा स्पीड ना चलाएं, नहीं तो ऐसा फेस आपको भी देखना पड़ सकता है। भाई साहब, अभी हम आ चुके हैं बड़े बन चौराहे, और बड़े बन चौराहे से चलते हैं सीधा स्कूल पर। और भाई साहब, आपको एक चीज़ दिखा देते हैं, जैसे कि MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लौरे फेमस हो रहा है, वैसे ही अब हम BTech चाय वाले की बात कर रहे हैं। तो भाई साहब, अभी हम स्कूल में पहुँच रहे हैं और लंच दे के फिर रिटर्न वापस जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज दीपक लंच भूल गया है, तो अभी हम लंच देने के लिए उसके स्कूल पर आए हैं। तो भाई साहब, आपको दिख रहे होंगे कई तरह के यहाँ फ्लैग्स लगे हुए हैं, और ये देखिए हम स्कूल के पास पहुँच गए हैं। यहाँ पर साइकिल पार्किंग है और यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ प्लेग्राउंड बना हुआ है। तो भाई साहब, अभी हम स्कूल के अंदर एंट्री करते हैं। तो भाई साहब, देख रहे हैं डेकोरेशन कितना ज़्यादा हो रखा है, और ये सर हमेशा दारू पिए रहते हैं। भाई साहब, ये वो जो स्कूल में बच्चों की केयर करती हैं, अभी हम उनसे ही बता रहे हैं कि दीपक वर्मा को बुला दिया जाए लंच देने के लिए। तो अभी ये बोल रही हैं कि मुझे आप नाम लिख करके दे दीजिए। तो भाई साहब, फाइनली हमने दीपक को लंच दे दिया है। अब दीपक बताएगा लंच पा गया, कैसा फील कर रहा है? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, अचानक तो जो आ जाएगा। थोड़ा तेज बोलो, अभी जल्दी ठीक है दीपक, बाय।